झावला में एक 20 साल की नव युवती के साथ हुआ। पूरा देश मुझे लगता है बिल्कुल झकझोर हो गया। आई सर्टनली हैवंट बीन एबल टू ब्रीद पीसफुली इवन फॉर 2 मिनट्स आफ्टर रीडिंग अबाउट इट। फिर थोड़ा जो वीडियोस आई हैं सामने, फिर जिस हाल में उस बच्ची का मृत शरीर पाया गया, ये तो दहलाने वाली बात है। इट्स रियली स्पाइन चिलिंग। ब्रूटालिटी एक नए चरम सीमा पे पहुंच गई। आई एम श्योर मक्खनलाल जी आप इससे सहमत होंगे, क्योंकि सबके दिलो दिमाग पे ये बहुत ही जघन्य अपराध छाया हुआ। आई एम श्योर यू अग्री विद दैट मक्खनलाल जी। इसमें कोई डिसएग्रीमेंट की बात नहीं है। जी आई जस्ट वॉन्ट टू गो ओवर द फैक्ट्स ऑफ द केस, क्योंकि जी कुछ बातें हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग हैं मक्खनलाल जी, और वो मैं साझा करना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के साथ। एक तो बहुत बहुत ये तकलीफ की बात है कि पुलिस ने इस क्राइम को वाइट वॉश करने की कोशिश की है। मेरे सारे जीवन काल में मैं कोई विरला ही उदाहरण होगा, आई थिंक आई कांट इवन रिमेम्बर, आई कांट रिमेम्बर मोर देन वन इंसिडेंट वेयर द पुलिस बिहेव लॉफुली। और मैं ये हमेशा याद रखूंगी, मेरी कभी आत्मकथा लिखी तो वाकई ही जो पुलिस का काम है उन्होंने किया, उसकी उसका बयान केवल एक उदाहरण मैंने जिंदगी में देखा या डेढ़ होगा। उसके अलावा मैं नहीं जानती कब पुलिस ने हमारे देश की, जो मेरे भी अनुभव हैं, और क्योंकि बहुत से लोग जानते होंगे मैं इन मुद्दों के साथ, न्याय के मुद्दों के साथ, विशेषकर गरीब तबके के समाज के समुदायों के साथ जो अन्याय होते हैं उनके साथ जुड़ी रही हूँ, तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनके लिए। और जब भी मेरे जैसा व्यक्ति भी कोई रिपोर्ट लेके जाता है शिकायत करने, कभी शराफत से पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, क्योंकि दूसरी तरफ से FIR से पहले ही चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है। और इस केस में भी मुझे लगता है कि चढ़ावा चढ़ चुका था, और इसीलिए शायद वो DCP हैं जिन्होंने उल जलूल बयान दिए, उसको एक्सीडेंट करार करने की कोशिश की, और ये कि म्यूजिक चल रहा था जोर जोर से इसलिए सुनाई नहीं दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। इतने घटिया कवर अप करने वाले एक्सक्यूजेज ऑफर किए गए कि खून खौलता है कि हम कैसी पुलिस के साथ रिश्ता जोड़े बैठे हैं इस देश में। तीन चार बातें बहुत स्पष्ट आती हैं इस केस को लेकर हमारे ध्यान में। मैं तो कोई इसका बहुत गहरा अध्ययन नहीं किया, कोई फर्स्ट हैंड रिपोर्ट नहीं ला रही, जो अवेलेबल जानकारी के अनुसार, नंबर 1, ये कोई एक्सीडेंट का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही कार सुना है जो खबरें आ रही हैं कि 2 बजे से वहां थी, ये शराब पी रहे थे, और वो जो अय्याशी का एक अनोखा अड्डा बन गया, मुरथल परांठे खाने जाते हैं। इतने लोग मारे गए हैं क्योंकि ये फैशन स्टेटमेंट हो गई है, यहाँ से गाड़ी में जाके शराब की बोतलें ले जाओ, जाते वक्त शराब पियो, वहां जाके पराठे खाओ, वहां भी बैठ के शराब पियो, फिर आओ शराब पीते हुए आओ। कितने लोगों की, नौजवानों की मौत हुई है उस हाईवे पे, क्योंकि रात को 11 बजे उठ के 12 बजे उठ के चल पड़ते हैं मुरथल के पराठे खाने। घर में खाना नहीं पकता क्या? और उस मुरथल के पराठों से मैं शर्तिया कह सकती हूँ, किसी भी सामान्य मध्यम परिवार के घर में बनाए परांठे स्टफ्ड परांठे ही हैं, उस पर इतना थोबा सा मक्खन डाल देते हैं, कुछ उसमें खास नहीं है। आपको माँ के हाथ का खाना छूट गया, आपको पत्नी के हाथ का खाना रास नहीं आता, और ये घटिया ऑल नाइट ढाबों पे जाके ये फैशन स्टेटमेंट बन गया है, और इतने लफंगापन, इतने लफंगे जाते हैं, इतने मूर्ख जाते हैं ये परांठे खाने। वो बहाना होता है, परांठे तो बहाना है, वो है कि रात काली करनी है। नंबर 1, ये वहां से आए 2 बजे से वहीं पर थे, और फिर कहते हैं कि 3 बजे के बाद 3:20 पे या कुछ लड़की की कार से एक्सीडेंट हुआ, लड़की के सॉरी स्कूटी से। इतनी मूर्खता पूर्ण बात मैं समझ नहीं सकती कैसे कोई कर सकता। अगर लड़की की
स्कूटी से एक्सीडेंट होता, लड़की सड़क पे गिरती है, वो कार के नीचे कैसे 13 मील या 13 किलोमीटर तक घसीटती जा सकती है? कौन सी हुक्स लगी हुई थी उस कार के नीचे? मैंने आज तक ऐसी कार नहीं देखी जो अगर उसके नीचे कोई व्यक्ति चाहे कुचला जाए या नीचे आ जाए उसको 13 किलोमीटर घसीटते ले जा सकती है। कौन सी ऐसी कार होती है? वो चीखी नहीं होगी, वो चिल्लाई नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? और कौन सी कार है जो ऐसे घसीटती है इंसानों को? मुझे नहीं समझ आता, संभव ही नहीं है। कार के नीचे कोई ऐसे हुक्स नहीं लगे होते। कौन सी कार है? अगर किसी को पता है वो कौन सी कार है तो प्लीज उस कार की जानकारी मुझे भी दीजिए ताकि हम मैन्युफैक्चरर्स को बताएं कि जानलेवा गाड़ियां हैं। एक तो वो, दूसरा नग्न अवस्था में उसका फेंका जाना, ऐसा कैसे हो सकता है? एक चिथड़ा भी ना उसके शरीर पर बचे, इट्स नॉट पॉसिबल। और किस मुंह से पुलिस ये थ्योरी ऑफर कर रही है? तो कॉमन सेंस भी अगर हम इस्तेमाल करें तो स्पष्ट है कि उस लड़की की इंतजार शायद कर रहे थे, शायद ही कह सकती हूँ क्योंकि मैंने कोई तथ्यों की ऐसी जांच तो मेरे पास अभी तक पड़ताल तो हुई नहीं। तो एक तो शायद लड़की की ताक में थे, उनको पता था शायद कि लड़की लेट आने वाली है, अकेले आने वाली है, स्कूटी पे आने वाली है, और उसके साथ कुछ इन्होंने जघन्य कार्य करना था। ये संभावना हम रूल आउट नहीं कर सकते और वो उसकी माँ भी कह रही है, पर माँ ने कॉमन सेंस भी यही कहती है, उस नग्न अवस्था में संभव नहीं है लड़की का होना। और ये जो लड़के कहते हैं हमें पता नहीं चला, कार के शीशे थे और इसलिए म्यूजिक चल रहा था, हमें पता नहीं चला, उसके पीछे एक चश्मदीद गवाह भागा स्कूटर लेके, उसने भी आवाज दी होगी, कुछ तो ऐसा हो नहीं सकता। और कितनी चौकियां आती हैं, ये बॉर्डर पे है लगभग जहां पे ये हादसा हुआ, कितनी तो चौकियां रात को पुलिस की होनी चाहिए, और खासकर न्यू ईयर ईव की रात को या न्यू ईयर को लेकर तो हमें पता है क्योंकि लफंगे सारे शराब पी के बाहर निकल पड़ते हैं, तो पुलिस ज्यादा सतर्क होना ये एक बन गई थी पद्धति, पद्धति बन चुकी थी कि इस रात को विशेष कर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भेड़िए निकलेंगे रात को और कुछ ना कुछ हुदड़ंगबाजी होगी, कुछ ना कुछ क्रिमिनल हरकतें होंगी। किसी पुलिस चौकी ने नहीं देखा, कैसे हो सकता है ये? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। अगर राह चलते लोगों ने देख लिया, पास खड़े लोगों ने देख लिया, तो पिकेट्स कहाँ थी? आप सब जानते हैं इतनी पिकेट्स बेवजह लगाई जाती हैं। हमारी तो कॉलोनी को चारों तरफ से घेर के सिर्फ एक रास्ता खोल दिया जाता है रात को कि उसी से आ सकते हो, बाकी सब जगह पुलिस के बैरियर्स होते हैं। तो ये बैरियर्स क्या कर रहे थे? वो भी उड़ गए थे, सो गए थे। तो ये जो घटना हुई है उसके साथ कुछ और, मक्खनलाल जी आप भी आ जाइए स्क्रीन पे, मैं कुछ और भी कंसर्न शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि 2 बजे या 3 बजे लड़की अकेली किसी इवेंट मैनेजमेंट की चाकरी करके, कोई रात को पार्टी हो रही थी 3 बजे तक, उस इवेंट मैनेजमेंट की ये एम्प्लॉय थी, अकेली आ रही है। उस कंपनी का फर्ज नहीं बनता कि इस लड़की को सेफली घर पहुंचाया जाए? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इज इट एट ऑल सेंसिबल टू लीव अ 20-year-old गर्ल टू ड्राइव अलोन एट 3 AM और 2 AM एट नाइट ऑल बाय हरसेल्फ ऑन अ स्कूटी, और वो भी न्यू ईयर ईव या न्यू ईयर की रात को? आप बताइए ये कैसे इवेंट मैनेजमेंट, ये जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं, ये इन्होंने कंपनियां शुरू कर ली हैं, और जो माहौल होता है वहां पे भी जिस किस्म की पार्टीज आजकल होने लगी हैं हमारे देश में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने की या किसी भी ओकेशन को, तो सच में द कल्चर ऑफ डेकेडेंस, ग्रोसनेस, क्रूडिटी एंड इरेस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं तो माँ बाप से भी कहूंगी, आप कैसे अपनी बच्चियों को ऐसी नौकरियां करने देते हैं जहां वो अकेली रात को 2 बजे आती हैं, 3 बजे आती हैं,
रात सोने के लिए होती है, रात अयाशी के लिए नहीं होती, बनाई नहीं गई थी। ईश्वर ने रात इसीलिए अंधेरा किया कि आप सोएं। और ये जो नाइट लाइफ का कल्चर शुरू हुआ है, बार खुलेंगे, पब खुलेंगे, नाइट लाइफ, ये टूरिज्म प्रमोट करना है। जिसको शराब पीने ही आना है, पब में जाने ही आना है, वो अपने देश में ही कर लेना, वो पेरिस में, लंदन में, वो उन सब अयाशी के अड्डों में जाएं। भारत में क्या हम वही कल्चर लेके आएंगे? ये जो नाइट लाइफ का कल्चर है, मुझे लगता है हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। बिकॉज इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जस्ट प्लेन हेल्थ, और कुछ हादसा ना भी हो, सारी सारी आप रात जगेंगे, फिर सारा दिन सोएंगे, क्या होगा आपके स्वास्थ्य का हश्र? और जो पेरेंट्स ये करने दे रहे हैं बच्चों को इस छोटी उम्र में, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, ये जो 4-5 लफंगे उस गाड़ी में बैठे थे, क्या उनके माँ ये अनाथ आश्रम से तो निकले नहीं होंगे? माँ बाप तो होंगे। तो माँ बाप कैसे हैं जो सारी सारी रात अपने बेटों को शराब पीने के लिए, लफंगबाजी करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, इन भेड़ियों को इस तरह खुला छोड़ देते हैं। माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, समाज ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। कोई जमाना था, वो बहुत पहले की बात नहीं है, जब इस तरह कोई शराब पी के रात रात आते थे घर, उस घर से लोग कतराने लगते थे, हुक्का पानी बंद हो जाता था ऐसे परिवारों का जहां पे ये हरकतें होती थी। अब ये बहुत नॉर्मल हो गया इस तरह का। और जिस रास्ते पे ये जा रहे है लाइफस्टाइल, इसमें क्राइम निहित है, केवल यहाँ नहीं, यूरोप में भी, किसी भी दुनिया के हिस्से में। स्वास्थ्य तबाह करो, दिमाग का बैलेंस तबाह करो, हाई रिस्क बिहेवियर पुरुषों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी, लड़कियों के लिए। 20 साल की बच्ची कैसे, माँ बाप ऐसे, पता है भेड़िए प्राउल कर रहे होते हैं रात को। आई डोंट नो हाउ दिस इज बीइंग अलाउड। आई मस्ट कन्फेस, मैंने भी बहुत इस तरह के रिस्क लिए। मैं बहुत निडर थी और मैं अपनी मोटरसाइकिल पे ही चल पड़ती थी कई बार रात को, कॉफी पीने, काम करते करते थक गए तो चल दिए कि हवाखोरी करते हैं, वो सब किया। पर उस समय इतनी अनसेफ दिल्ली नहीं थी, पर आज ना तो मैं स्वयं करूं और ना एक 20 साल की बच्ची को करने दूं। और जो माँ बाप करने दे रहे हैं, कृपया जग जाइए। वी आर लिविंग इन अ वेरी अनसेफ वर्ल्ड, प्लीज प्रोटेक्ट योर डॉटर्स। ये केवल पुलिस का काम हो ही नहीं सकता। एक तो हमारी पुलिस भ्रष्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, अनप्रोफेशनल है, पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड है। अगर ये किसी रईस जादे के या पॉलिटिशियन के बेटे हुए, भले ही वो टुचकी सी पुचकी सी पार्टी हो, तब भी उनकी बचाव में आ ही जाएंगे, उनके बचाव में आ जाएंगे। पुलिस पे हम नहीं छोड़ सकते अपने बच्चों की सेफ्टी, अपने घर की सेफ्टी। इसकी जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी पड़ेगी। और परिवार अगर डिजोन कर देते हैं, बिरादरी डिजोन कर देती है, मोहल्ले में कोई किसी को चिंता नहीं। मक्कन लाल जी, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट साझा करना चाहती हूँ। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। हमारा ऑफिस किसी ज़माने में लाजपत नगर के इलाके में हुआ करता था, और ऑफिस और घर इकट्ठा ही था लगभग। मुझे याद है एक हमारे ही, मेरे हमारे ही लैंडलॉर्ड का एक बेटा, वैसे थोड़े लफंगे टाइप थे, तो परंतु हमारा नेबरहुड बहुत सेफ था। उस लड़के ने पड़ोस की लड़की के साथ कुछ अभद्रता की, टीनेज गर्ल उसके साथ कुछ अभद्रता की। जैसे ही लोगों को पता चला, उस परिवार ने बताया कि हमारी लड़की के साथ ये हुआ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, उस लड़के को बाहर निकाला, उसके वो जो अंडरपैंट्स के अलावा उसको पूरा स्ट्रिप किया, मुंह काला किया, सारे मोहल्ले में उसको घुमाया, और कान पकड़ के वो दंड बैठक लगाते हैं ना, मैं माफी चाहता हूँ इस मोहल्ले से, मैंने अपने मोहल्ले की बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने अपने मोहल्ले के साथ बहन के साथ दुर्व्यवहार किया। और मैं सच में साक्षी हूँ इस बात की कि भले ही उस मोहल्ले के लड़के बाहर जाके कुछ भी करते हों,
परंतु मोहल्ले के अंदर आंख नीची करके ही चलते थे, लड़की की तरफ आंख भी नहीं उठाते थे, चाहे वो 10 बजे है रात के, चाहे 11 बजे है रात के, चाहे कोई भी समय। बिकॉज ये स्टेबल नेबरहुड था, यहाँ दशकों से ये पार्टीशन रेफ्यूजी फैमिलीज जो आए थे एक दूसरे को जानते थे, स्टेबल नेबरहुड्स में ये हो भी सकता है। तो सभी का खून खौला, कोई एक परिवार उसके बचाव में नहीं आया कि नहीं नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो, पुलिस को बुलाओ। किसी ने कहा नहीं, कोई पुलिस को बुलाने की आवश्यकता नहीं, पुलिस तो इनको पैसे उगाही करेगी इनसे। और बात वहीं की वहीं, फिर केस 10 साल चलेगा, हमारी बच्ची की जिंदगी खराब होगी जाने में कोर्ट कचहरी के चक्कर। नोबडी वॉन्टेड टू गेट द पुलिस इन्वॉल्व्ड, एंड आई एम टेलिंग यू इट वॉज अ वेरी इंस्ट्रक्टिव लेसन फॉर मी, एंड आई हैव सीन दिस हैपन। सिर्फ हमारे मोहल्ले में नहीं, कई कई गांव में जहाँ मेरा अच्छा संपर्क रहा है, जहाँ मैं ट्रैवल के दौरान ऐसे इंसिडेंट्स, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट हो या डोमेस्टिक अब्यूज के या इस तरह के हरकतों के, पूरा गांव जब इकट्ठा या मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है तो उस परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है। एंड द फैक्ट इज वो अपना मकान बेच के चले गए, वहां नहीं उनकी खड़े होने की हिम्मत नहीं रही कि मुंह आंख उठा के उस परिवार की बहनों की, उसके लड़के के बहनों की, माँ की, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको माफ कर दो, आप कौन होते हैं इसको कुछ करने वाले। बिकॉज देयर वाज कंप्लीट कंसेंसस, जीरो टॉलरेंस फॉर सच बिहेवियर इन आवर नेबरहुड। एंड आई रियली थिंक कि ये जो हमारे समाज में बहुत हेल्दी प्रथा थी, जिसको हम ये लेफ्टिस्ट और फेमिनिस्ट कहेंगे मॉरल पुलिसिंग, इट इज फार बेटर देन सरकारी पुलिसिंग मूर्ख लोगों। समाज की, परिवार की, बिरादरी की, मोहल्ले की मॉरल पुलिसिंग इज फार मोर इफेक्टिव इन ऑल सच केसेस। यू वॉन्ट टू कॉम्बैट डोमेस्टिक वायलेंस, यू वॉन्ट टू कॉम्बैट सेक्सुअल वायलेंस, यू वॉन्ट टू कॉम्बैट क्राइम, मोहल्ले में देखो कौन क्या कर रहा है और नकेल वहीं बांधो, और परिवार को भी फिर सपोर्ट मिलती है।